परलाचा क्रॉस किए हैं हम अभी। मुझे भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि इतना सारा लगेज रख के लाया हूँ अपने साथ, वो लगेज जो है कैरी करना मुश्किल हो रहा है हर जगह पे। जैसे बस में ही अगर रखने की टाइम बात आती है तो बैग अपना ऊपर रख लिया है, एक गिटार जो है बस में अपने साथ आगे रखा हुआ है, मेरा बैग जो है सिक्योरिटी है। क्या हो गया तुमको? पेट गड़बड़ हो गया, उल्टी पुल्टी उल्टी हो नहीं रही बस। मैगी ऑमलेट मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा। मैं खा कर बैठो जल्दी, तो आप ड्राइवर नहीं बैठो आराम से, आप बदलना भी पड़ेगा ना। अरे वाह बढ़िया व्यवस्था है, टेंशन लग रही है यहाँ तो, थकावट पता नहीं किस चीज़ की हो रही है। मैं यहाँ पे ऑर्डर किया है मैगी और एक ऑमलेट। मैगी खाना अच्छा होता है यहाँ पे, जल्दी पच जाता है। हमारे साथ जो दूसरा भाई था अमित भाई, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है। मैगी खाओ जल्दी पचती है, दाल राइस खाओ जल्दी पच जाता है। पहाड़ों पे तो इसी का काम चलाना है, अब नीचे जाके खाएंगे भारी भरकम पनीर बटर पनीर मसाला और ये पनीर मसाला। ये हमारी मैगी है, बिकॉज सिंपल मैगी है, और ये ऑमलेट है। बेस्ट कॉम्बिनेशन है यहाँ पे खाने के लिए, इससे पच भी जाता है थोड़ी ताकत भी मिलती है। एक केक दे देना, एक वो टॉपिक आना दे देना, जम तो नहीं जाए आगे जाके। कितना हो गया बता देना? एक ऑमलेट था और मैगी था। मैगी ऑमलेट और चाय भी लेना? चाय नहीं लिया। अरे ये भी दे देना, जो दो दे देना, ये तो 230 रुपये। थैंक यू जी। हो गया खाना पीना, सात जी भी हैं तैयार, आगे चलने को तैयार हमारी बस। चलते हैं आगे के सफ़र पे, वही खतरनाक रास्ते, वही ऊँचे ऊँचे पासेस। ये तो एक गहरी भर लाचा, इसके बाद तो ना जाने कौन कौन से आने वाले हैं। टांग लंगला, ये लंगला, वो लंगला। भाई अरे ला शायद लद्दाखी में पास को ही कहते हैं। चार कदम चलने के बाद आदमी तब थक जाता है कि हिसाब नहीं है उसका। ये भाई एथलीट है, इनसे पूछो कि यहाँ पे 5 किलोमीटर चलना क्या होगा, दौड़ना भी क्या होगा। वैसे रनिंग करते हैं, मैराथन दौड़ चुके हैं 42 किलोमीटर की पूरी, वो भी दो घंटे दस मिनट में दौड़ चुके हैं। अभी इनको ये बोल रहे थे 5 किलोमीटर यहाँ पे दौड़ नहीं सकते, ये ऑक्सीजन कितनी कमी है इस जगह पर। साफ पानी की झीलें रहती है यहाँ पे, अंदर के पत्थर तक दिखाई दे रहे हैं कि दूर से भी। पीछे निकला वो बेस कैंप का सरचू का, आगे जो है वो सरचू गांव है, और दिखाते हैं सरचू गांव। सपाट मैदान है, ले यहाँ से 252 किलोमीटर दूर है। ये एक ब्रिज बन रहा है, जब तक नहीं बनता तब तक ये वाला रोड नहीं जाता है। यहाँ पे बाइक फट जाती है पूरी। बाइक के रास्ते हैं ये, पूरी बस अभी पूरी टेढ़ी हो गई थी, गिर जाएगी।
पहुंचे भाई जम्मू कश्मीर का बॉर्डर हमारा शुरू। हिमांग ने हमारा स्वागत कर दिया है। तरचू में उतार के यहाँ पे सब लोगों को अपना अपना टेस्ट कराना है। टेस्ट करा रहे हैं। जो करा के आए हैं उनको क्या कराना है वो तो आगे जाके बताएंगे, लेकिन हमारी बस ये खड़ा कर दी है और आप सब लाइन लगा लिए। अभी रिपोर्ट दिखा रहा हूँ मैं इनको। आरटीपीसीआर चाहिए बस आपका, यहाँ पे हमने ये है मेरा रिपोर्ट, हम इनको दिखा दूंगा। राहुल राहुल भोसले पूरा बनाया था। मैसेज दिखा दी ना, कब की है? ये कल परसों कराया था, कल रिपोर्ट आया था। हो गया उन्होंने कुछ देखा भी नहीं, बस नाम लिखा और बस तसल्ली से पूछ लिया कि रिपोर्ट है कि नहीं, दिखा दिया, बोलते ठीक है हो गया। किसी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट हो गया भाई यहाँ पे रिपोर्ट को लेके? क्या हो गया? जाने नहीं दे रहे लोगों को, ड्राइवर का भी नहीं, कभी नहीं। हाँ बिल्कुल, बस कैसे आगे खेल लग जाता। हम तो काजा से आ रहे थे, काजा में भी पूछा सबको, वो भी बोल रहे कि यार काजा से यार आप लोगों का बिना हिमाचल में दिक्कत नहीं है इसकी। हिमाचल काजा कोई मत नहीं रहा, हिमाचल में नहीं लगती रिपोर्ट। सब कुछ मत रहे, सब कैसे करना है सर? जितने का है वो बता सकते हैं। ड्राइवर तो जाएगा, तभी तो जाएगा। ड्राइवर की रिपोर्ट नहीं है, भी नहीं है। तो बेचो गिरा वगैरह से के गाड़ी बुक करके वापस भेजिए। भैया हमारी पूरी बस भर के आई है अभी हिमाचल प्रदेश से। जैसे एंटर किया जम्मू कश्मीर बॉर्डर में, यहाँ पे जो है आरटीपीसीआर का चेक हो रहा था। अब ट्विस्ट ये हुआ है कि कुछ पैसेंजर्स के पास तो आरटीपीसीआर का टेस्ट है, कुछ के पास नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो ड्राइवर है हमारे, ड्राइवर भाई साहब जो है हमारे, उनके पास में आरटीपीसीआर का टेस्ट नहीं है। अब वहाँ पे जो अथॉरिटी है उनसे बात कर रही है, वो बोल रहे हैं कि आपके पास कैसे नहीं है आरटीपीसीआर का टेस्ट नहीं है, तो फिर आगे कैसे जाएगा? बस का ड्राइवर लेके नहीं जाएगा तो हम बैठ के कैसे जाएंगे? तो अभी ये सब चीज़ों का उलझन चल रहा है, वहाँ पे बात की जा रही है। हालांकि बस को छोड़ देंगे, वो यहाँ से 202 किलोमीटर बाद उपशी आता है, वहाँ पे जो है रैपिड टेस्ट की व्यवस्था है। यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ पे तो बस चेक कर रहे हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट करा के यहाँ पर आइए, हल्के में मत लीजिए, लोगों को रोक दिया गया है। अगर बस की बात नहीं होती तो बाइक वालों को आगे जाने भी नहीं देते। फिलहाल तो हमारी बस को आगे जाने दिया है, आगे शायद बोला है कि टेस्ट होगा ड्राइवर अंकल का भी और जो पैसेंजर बचे उनका भी, जाने दिया। अब वो बोल रहे हैं, मैंने उनसे पूछा कंडक्टर साहब से कि आपकी कोई व्यवस्था नहीं होती क्या हिमाचल में ही टेस्ट कराने की? तो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कंडक्टर जिनका नहीं हुआ उनका क्या बोला? उसी में होगा उनका टेस्ट, अब नहीं होगा, हो गया। वो उनसे कह रहे थे कि नेटवर्क आएगा ना वो डाउनलोड कर लेना, जिनके डाउनलोड नहीं है। भाई 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 धूल का तूफान आया हुआ है बाहर। सर कंटिन्यूसली दुखता रहता है, थोड़ा थोड़ा, बहुत परेशानी नहीं हो रही लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखता रहता है, और सांस की दिक्कत भी बनी रहती है। सरचू थोड़ा हाइट पे जा रहा है। अभी जो है हम इस रोड पे चल रहे हैं, सामने रोड निकल रही है, हमको जाना है उधर वाली रोड पे, दिख रही है घूम के इतना लंबा पूरा यहाँ पर आएंगे। आवाज़ लगी है बड़ी है भाई। हाँ देखो पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है उधर, सब लेबर दिखाई दे रही है खड़ी हुई। मेरे भाई पीछे देख रहे हैं आप, ये पूरा यही है ले मनाली हाईवे, आगे की तरफ हुआ है जाम क्योंकि रास्ता है ख़राब और सारी गाड़ियां लाइन लगा के खड़ी हुई हैं। ये तो बहुत यहाँ पे कॉमन है, इसी वजह से लेट भी हो जाते हैं कई बार। इतनी गर्मी लग रही है इस वक्त पे, लेकिन वही दिक्कत है कि गर्मी है, जैसे ही कपड़े उतारेंगे वो ठंडी हवा चुभने लग जाएगी और तबीयत ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूर से ना उधर वाली मैं दिखाता हूँ,
उधर वाली वो रोड से हम लोग जो है आए हैं, और वहाँ हमारी वो बस खड़ी हुई है और भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। कुछ खाने की अच्छा नहीं होती, कड्डी नहीं असली, थोड़ा 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 सर में पेन होने होता रहता है। इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे ना प्यास बहुत कम लगती है, तो इंसान ना क्या करते हैं पानी नहीं पीता है क्योंकि यहाँ पे पानी की प्यास ही नहीं लगती है। बट आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। प्यास लगे ना लगे पानी के सिप मारते रहना चाहिए, हमेशा आपकी बॉटल में पानी होना चाहिए, नहीं तो कभी भी तबीयत ख़राब हो सकती है। बिना इतनी शांति है कि हवा की आवाज़ तक क्लियर सुनाई दे रही है। जम्मू कश्मीर जैसे ही लगा पूरा बंजर सा इलाका स्टार्ट हो गया, अब ना पेड़ है ना पौधे हैं, सिर्फ बंजर से पहाड़ हैं। कीलोंग से रुक के आ रहे हो गए आप? कीलोंग से रुक के आ रहे हो गए? हम नहीं होगा भैया, हमारा तो स्टे कुल्लू में। अच्छा, कुल्लू से डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच गए? घूमने जा रहे हो ले? अच्छा, सामान लेके जा रहे हो आप? हम तो ये मास्क वगैरह सप्लाई करते हैं। चक्कर लगता रहता होगा आपका तो? एक बार हम आए थे अपनी बस से, वो बस 11 बजे पहुँची थी ले रात। अभी जो शाम को वापसी गई वो 12:30 पहुँची। 12:30 बजे पहुँची? अरे भाई, रुकने को कहाँ मिलेगा फिर? नेटवर्क उसी के पहले आ जाएगा, टांगला तक तो नहीं आता। बोलो सब लोग परेशान कर रहे हैं, तो साइकिल से आया फिर भी बैठ गए, टाइम पास कर रहे हैं, बस खराब हो गई है। हमारी हिम्मत नहीं करने की है सब, उधर डीजल भी लग जाएगा और 4400 किलोमीटर है बस। कहाँ जाना है? अरे वो थाईलैंड। तू एक काम कर, साइकिल मुझे बिठा ले यहाँ से, तो चला जाऊँ यहाँ से, पहले बस से जाएगा आराम से, फिर जाएगा यहाँ से जाऊंगा, फिर बजट बनाऊंगा। क्या चीज? कैसा आप? 90+ टाइम पास कर रहे हैं बढ़िया तरीके। 19 साल का है ना अभी, तू जाएगा 30 साल का लौटे भाई। शाहरुख खान का है तो इतना टाइम नहीं लेने आएगा। वो भी मुझसे कह रहा था काम में आप कहीं नहीं जाएगा, तुम लोग थाईलैंड की बातें करवा रहे। भाई लोगों वापस से बस स्टार्ट हो गई है चलना, जाम था वो खुल गया है, थोड़ा सा लेट करा दिया आधा घंटा, बट ठीक है, बहुत ज़्यादा सर में पेन हो रहा है, जूस पी रहा हूँ। वाह भाई क्या सुंदर नज़ारा है यार, कैसी हालत है भाई रास्तों की, कैसी हालत है, कैसी रास्तों में बस चल रही है, पूरा धूल मिट्टी से भर गया है, बैठे बैठे पूरे बस के अंदर जितनी आ सकती आ रही है। पत्थर की चट्टान है, ये पत्थर की चट्टान है, वहाँ आने वाला है थोड़ी देर में, काटना मुश्किल हो गया इतना सफर, वहाँ आ गया बीच है यहाँ ये भी गाड़ी। जाम खुलने के बाद की कहानी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जाम खुल गया था, बस चलने लग गई थी, सब कुछ ठीक था, मैंने कहा था अब नज़ारे वैसे के वैसे ही हैं, थोड़ा टाइम में शूट करेंगे। थोड़े टाइम में बेहोशी की हालत हो गई, मतलब नींद आ गई, और हल्की फुल्की नींद थी, नींद जैसे ही खुली, नींद खुलने के बाद में जो सर में दर्द हुआ है वो बयान नहीं कर सकता, इतना पेन हो रहा था जो AMS होता है, मुझे समझ में आ गया था कि हिट कर चुका है, और वो रास्ता काटना मुश्किल हो गया। फिर मैंने जैसे तैसे रास्ता काटा, शूट तो आप भूल जाओ कि मैं कर सकता था। अब एक्चुअली मैं आता है वहाँ पे लाचुंगला पास
की एल्टीट्यूड की वजह से वो दर्द हो रहा था। जैसे जैसे नीचे आना स्टार्ट हुआ वहाँ से थोड़ा बेटर हुआ, लेकिन अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। उम्मीद करता हूँ आने आगे जो है ठीक हो जाएगा। इस वक्त मैं हूँ पांग में, और पांग का भी एल्टीट्यूड काफ़ी हाई है, बट मुझे इतना अच्छे से पता है कि पांग के बाद में जो रोड है वो बहुत अच्छी है। खाने की कोई अच्छाई हो ही नहीं रही है। डायमॉक्स भाई, डायमॉक्स कब से सोच रहा था, रखना है उसे, रखना है, लेना है, लेना है, लेना है, करते 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 डायमॉक्स मेरे पास में नहीं है अभी तक। डायमॉक्स जिनको नहीं पता है, डायमॉक्स एक टैबलेट है जो EMS जब हिट करता है आपको तो उसमें हेल्प करती है। आप सबसे टफेस्ट पार्ट है इस पूरी जर्नी का, खा लिया है 2 चम्मच ही सही, पर कुछ तो खाए हैं। इसके बाद की जो रोड है वो शूट करना है मेरे को इफ पॉसिबल, अदरवाइज सफ़र तो ख़त्म हो गया है वाला। ले में अगर लेट पहुँचेगी गाड़ी, जो कि एक्सपेक्टेड है 8-9 बजे पहुँचाने का, तो यार रहने की भी दिक्कतें पड़ जाएंगी। अभी सारी मुसीबतें तो आती हैं, और थोड़ा क्लाउडी सा वेदर हो गया है। अभी ना यहाँ से पांग से ये रोड है, और ये रोड ना ये पहाड़ ऊपर चढ़ जाएगा पूरा, ये दिख रहा है ऊपर से वो पूरा रोड है, हम ऊपर चले जाएंगे और उसके बाद नीचे उतरेंगे। भाई से मिलने एक बार, क्या हुआ भैया? पेट दर्द की गोली, पेट दर्द हो रहा है क्या? चलने टाइम से, बस उम्मीद करते हैं कि जो लेट चल रही है वो उसका कवर कर ले टाइम, क्योंकि अब आगे से मैंने बताया रास्ता अच्छा है, दिखाता भी हूँ। टांगलंगला आने वाला है यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, और बारिश हल्की हल्की होने लग गई है। मेरा बैग ऊपर रखा हुआ था, भीग रहा था, काफ़ी भारी है, उसमें जैकेट रखी है, तो एक जो भाई साथ में बैठे हुए हैं उनको ठंड लग रही है तो उनको जैकेट दे दूँगा। हल्की हल्की बारिश हो रही है वहाँ, देखो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। जन्नत नज़ारा है पीछे, रोड एकदम है, चारों तरफ बंजर पहाड़। खुद ही समा